हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, तो आज हम अपने एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं और आपको बिंदु वस्तु को पहचानना है। किसको पहचानना है बच्चों? बिंदु वस्तु को पहचानना। ठीक है, तो पहले आप सीख ले बिंदु वस्तु होती क्या है। यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी कोई भी वस्तु हमारे पास है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी वस्तु, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में, जो उस वस्तु का आकार है उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक है, यदि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक है, मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत ज्यादा है बजाय उसके आकार के, बहुत अधिक है, तो वस्तु को क्या कहते हैं बच्चों? बिंदु वस्तु कहते हैं। बिंदु वस्तु कहते हैं, समझ गए? तो ये बिंदु वस्तु की हमारी एक डेफिनेशन हुई। हमने समझा कि अगर वस्तु का आकार बहुत कम है, उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत ज्यादा है, तो उस वस्तु को हम क्या मान सकते हैं? बिंदु वस्तु। तो यानी वो एक एक मैं पॉइंट यहां लिख रहा हूं, तो आप बताने से बिंदु वस्तु है कि नहीं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट में पहला पूछ रहा है आपसे, दो स्टेशनों के बीच बिना झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी, दो स्टेशनों के बीच बिना झटके के ठीक है, मतलब कोई झटका नहीं, मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं, दो स्टेशनों के बीच बिना झटके के चली गई कोई चल रही कोई रेलगाड़ी चल रही कोई रेलगाड़ी तो आपको बताना है वस्तु ये बिंदु वस्तु है कि नहीं है। तो आप ऐसे मत समझना सर रेलगाड़ी तो बहुत बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, तो हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है, हमें देखना है उसके द्वारा दूरी। तो कह रहे हैं दो स्टेशनों के बीच बिना झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी, मतलब बिना झटका मतलब बहुत स्पीडली चल रही गाड़ी, दूरी बहुत ज्यादा है, दो स्टेशनों की दूरी बहुत ज्यादा है बजाय किसी रेलगाड़ी के आकार के, तो इसको हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या कह रहा है? किसी व्रतीय पथ पर साइकिल चला रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, व्रतीय पथ पर साइकिल चला रहा है किसी व्रतीय पथ यानी सर्कुलर पाथ है उस पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के सर पर सिर पर बैठा कोई बंदर। ठीक है, तो व्रतीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति है कोई साइकिल चला रहा है, जो उसके ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है, तो उसको आप दूरी के हिसाब से बंदर को क्या मान सकते हो? तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं बच्चों? बिंदु वस्तु। तो साइकिल चला रहा है, दूरी ज्यादा होगी, अब बंदर जो है उसके सर पे बैठा हुआ है, व्यक्ति के सर पे कोई बंदर बैठा हुआ है, तो बंदर द्वारा चली गई दूरी जो है वो है नहीं देखनी भाई, जो सिंपल सी बात है साइकिल पे चल रहा है तो वही दूरी उसकी होगी जो साइकिल वाले की होगी, तो ऐसा मतलब बंदर तो स्थिर है तो बंदर द्वारा चली गई दूरी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो किसी व्रतीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर को अपन बिंदु वस्तु मान सकते हैं, क्योंकि बंदर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अब तीसरा देखें क्या दे रखा है आपको।
जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फरकती हुई गेंद, जमीन से टकराकर क्रिकेट की जमीन से टकराकर, ये इसको स्विंग का दे रखा है, स्विंग इस तरह होती है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ती हुई, तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फरकती हुई गेंद, तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई गेंद है, क्रिकेट की कोई फरकती हुई गेंद। तो बताना कि ये बिंदु वस्तु है कि नहीं, क्रिकेट बॉल है कोई, क्रिकेट की कोई गेंद है, तो जमीन से टकराने पर, एक तो मान लो कोई बॉल फेंक रहा है तो दूरी अधिक तय करेगी, अब कह रहे जमीन से टकराने पर, टकराने के बाद उसकी गति कम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तेजी से फिरकती हुई जो मुड़ रही है गेंद, ठीक है, स्विंग जो कर रही है, तो फिरकती हुई जो गेंद है तो उसको अपन बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि दूरी वो अधिक तय नहीं करेगी, तो इसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते, क्योंकि जब वो टकराएगी तो उसकी गति में बाधा उत्पन्न आएगी, जमीन से टकराएगी तो गति में क्या उत्पन्न आएगी, रुकावट आएगी, गति में रुकावट, जिससे जो दूरी है उसके द्वारा तय की गई वो अधिक नहीं होगी। दूरी अधिक नहीं होगी, तो जमीन से टकराने के बाद गति में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, इससे दूरी वो अधिक तय नहीं करेगी, तो ये बिंदु वस्तु नहीं होगी। डी, चौथा क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर, मेज के किनारे से फिसल कर स्लिप हो गया, फिसल कर गिरा कोई बीकर, गिरा कोई बीकर, तो बेटा सिंपल सी बात है कि देखो मेज के किनारे से कोई बीकर गिरेगा तो क्या ज्यादा दूरी तय करेगा, क्या नहीं करेगा, तो इसको भी अगर अपन बिंदु वस्तु नहीं मान सकते, ठीक है, कि मान लो हमारे पास कोई मेज थी मान लो, और इसे किनारे से गिरा कोई मान लो बीकर है, तो दूरी ज्यादा थोड़ा तय करेगा, वो जमीन पर गिरेगा, तो इसको बिंदु वस्तु हम नहीं मान सकते। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि बिंदु वस्तु के ऊपर, तो बिंदु वस्तु का मतलब आपको समझ में आ गया है कि अगर किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, बिंदु वस्तु, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो बच्चे ए और बी अपने विद्यालय ओ से लौट कर अपने अपने घर क्रमशः पी और क्यू को जा रहे हैं। तो इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है, बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी की, देखिए दो बच्चे आपके पास हैं, उनके लिए उनकी स्थिति समय में ग्राफ इस तरह दे रखा है, ये तो स्थिति है एक्स, ये हो गया मूल बिंदु ओ और ये हो गया समय टी, ठीक है भाई। तो दो बच्चे हैं ए और बी, अपने अपने विद्यालय ओ से लौट कर, ये ओ विद्यालय की स्थिति है, ठीक है, ओ से लौट कर अपने अपने घर क्रमशः पी और क्यू को जा रहे हैं, तो ये घर है मान लो पी और क्यू, ठीक है, ए का घर है पी और बी का घर है क्यू, उनके स्थिति समय ग्राफ आपको दे रखे हैं, तो कुछ आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके बारे में जवाब आपको दे रहा है, तो ये आपको जो डायग्राम यहां बना के दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है, ये तो ए के लिए है और ये बी के लिए है, ठीक है, ये आपको ग्राफ ए के लिए दे रखा है और ये किसके लिए दे रखा है बच्चों, बी के लिए, क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, ये आपको बताना है कि सही है कि गलत है, कुछ आपको एंट्रीज दे रखी है, आपको बताना है सही है गलत है। बी की तुलना में, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ग्राफ को देख के बताना है, बी की तुलना में
ए विद्यालय से निकट रहता है, ये विद्यालय से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, पी और क्यू, तो बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है। बी की तुलना में ए जो है विद्यालय से निकट रहता है, ठीक है, तो ये बी का ग्राफ हो गया, ये ए का ग्राफ हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ए ने तो शुरू करी ओ से गति, जो ग्राफ आपको ओ से दे रखा है वो विद्यालय है, वो क्या है विद्यालय। तो देखो अभी ये विद्यालय के पास ही है टी बराबर 0 पर, और ये इतना दूर आ गया विद्यालय से टी समय पर, एन टी बराबर, अब बात करें कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये यहां चलेगा, ये इस तरफ यहां चलेगा, ठीक है, ये विद्यालय की स्थिति है, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, तो बताओ कौन पास रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि बी की तुलना में ए विद्यालय से निकट रहता है, तो क्या हो गया एंट्री सही। ग्राफ से आप देख सकते हैं कि टी बराबर 0 पर ये यहां पे था, ये यहां पर है, टी बराबर 0 पर ए यहां पर है और इसकी गति कुछ समय बाद शुरू हुई है, तो ये कुछ समय पर यहां पर है, तो इसके बाद ये चलेगा आगे, तो ये विद्यालय से दूर रहेगा, और जबकि ये विद्यालय के पास रहेगा, वो विद्यालय की स्थिति है, ठीक है। तो पहला जवाब, पहला जो एंट्री वो सही है। दूसरा देखें, बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, दूसरा क्या कह रहे हैं आपसे कि बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, बी की तुलना में ए जो है विद्यालय से पहले चलता है, तो भाई आप देख रहे हैं कि ओ विद्यालय की स्थिति है तो ए चल रहा है यहां से, और जबकि अभी ये चलना यहां के शुरू करता है, तो बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब आपके पास है, ठीक है। तो बी यहां से चलना शुरू करता है जबकि ये पहले चल देता है, इतने टाइम बीत जाने के बाद, इतना समय से ले लिया तब चलना शुरू करता है, और ए तो पहले चलना शुरू कर देता है, तो बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, ये भी बिल्कुल एंट्री सही है। सी आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, बी की तुलना में ए तेज चलता है, बी की तुलना में ए तेज चलता है, बताइए बी की तुलना में ए तेज चलता है, बी की तुलना में ए तेज चलता है, तो बड़ा तेज चलने का मतलब क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ए का वेग और बी के वेग में क्या संबंध है भाई, क्योंकि तेज चलने का मतलब है वेग ज्यादा होना चाहिए, तो आपसे पूछ रहा है कि बी की तुलना में ए तेज चलता है क्या, यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या बी का वेग ए से ज्यादा है क्या, ये आपसे पूछ रहा है, बी की तुलना में ए तेज चलता है क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ए तेज चलता है यानी ए का वेग बी की तुलना में ए तेज चलता है, तो ए का वेग जो है वो बी की तुलना में ज्यादा है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। तो हमें पता है जो ग्राफ है वो स्थिति और समय में ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो स्थिति समय में जो ग्राफ होता है उसका ढाल ही आपको क्या बताएगा, वेग के बारे में बताएगा, तो मानो ये तो हो गया ए का ढाल थीटा ए, और ये हो गया बच्चों बी का ढाल थीटा बी, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि जो ए का ढाल है वो बी के ढाल से कम है, जब ढाल कम होगा तो उसका वेग भी क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्थिति समय वक्र का जो ढाल है वो वेग को शो करता है, जब ढाल कम होगा तो वेग भी क्या होगा, कम, तो ए का वेग बी से कम हुआ तो ये एंट्री गलत होगी, तो यहां है ए का वेग ज्यादा है बी के वेग से, ठीक है, इसका मतलब तेज कौन चलता है, बी, हाँ जी, डी पॉइंट, डी क्या कह रहा है आपसे, ए और बी घर ए के समय पर पहुंचते हैं, ए और बी घर एक समय पहुंचते हैं या अलग अलग समय पहुंचते हैं, यहां से कह रहा है ए और बी घर, घर इनका ये रहा, ये पी का घर है, ये क्यू का घर है, तो देखो इसका टाइम ये रहा और इसका टाइम देखेंगे आगे बढ़ता रहेगा,
तो अलग अलग टाइम है। तो बी तो मान लो पहुंच गया यहाँ पर, इस समय बी पहुंच चुका है, जबकि ए तो अभी आगे चलता रहेगा, तब जाके वो पहुंचेगा। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो बी के लिए तो ये पॉइंट हो गया और ए के लिए आगे बढ़ता रहेगा ये। तो दोनों अलग अलग समय पर घर पहुंचते हैं। ठीक है, ये डी था कि दोनों यानी ए और बी भिन्न भिन्न समय पर घर पहुंचते हैं। ए व बी भिन्न भिन्न समयों पर घर पहुंचते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न समयों पर घर पहुंचते हैं, तो ये भिन्न भिन्न आएगा ना कि समान। और आपसे लास्ट क्या कह रहे हैं कि ए सड़क पर बी से एक बार या दो बार आगे हो जाता है। ये आपसे कह रहा है कि ए सड़क पर बी से आगे, ब्रैकेट में दे रखा है, एक बार या दो बार। ए सड़क पर बी से आगे एक बार या दो बार हो जाता है। ए सड़क पर बी से आगे एक बार या दो बार हो जाता है। तो आप देखिए कि ए सड़क पर एक बार या दो बार आगे निकलता है, कितनी बार आगे निकल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए सड़क पर बी से एक बार आगे हो जाता है क्या? तो ये भाई सड़क है, आपका रास्ता चल रहा है, तो आप देख रहे हैं दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये इस तरह चल रहा था और ये बी इस तरह चल रहा है। अभी ए आगे था, बी पीछे पीछे चल रहा था इसके। तो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि अब इसकी स्थिति ज्यादा बढ़ रही है बजाय इसके। तो आगे कौन निकला? बी निकला। भैया स्थिति ये होगी ना, दूरी तो ये चल रहा है वो, और ये सी दूरी ये वाली होगी। तो एक बार ही प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एक ही बार ए से आगे निकलता है। बी जो है वो एक ही बार ए से क्या निकल रहा है? आगे निकल रहा है, एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय की तरफ, मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। एक महिला जो है अपने घर से, यानी अपने घर से कहाँ जा रही है? ऑफिस जाती है। एक महिला अपने घर से ऑफिस जाती है प्रातः 9 बजे। ठीक है, शुरू कब होती है? प्रातः 9 बजे यानी 9 AM स्टार्ट होती है घर से। ठीक है, 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय, तो घर से ऑफिस तक की दूरी कितनी है भाई? 2.5 किलोमीटर। ये दूरी अगर अपन डी मान लें तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो एक महिला है घर से 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस को जाती है। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। उसे चाल कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां वह साय 5 बजे तक रहती है, तो यहां पर वो 5 बजे तक यानी शाम को 5 बजे तक वो ऑफिस में रहती है। तो 9 से 5 का टाइम है उसका ऑफिस का, साय वो 5 बजे तक ऑफिस में रहती है। और उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब घर से ऑफिस से जा रही थी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो V1 मान ले। अब ऑफिस से जो घर जाती है वो जाती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक घंटे 25 किलोमीटर चल रही थी वो। पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, अब ऑफिस से घर जा रही है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, किसी ऑटो रिक्शा के द्वारा जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसी गति का एक्स टी ग्राफ बनाइए। यहां ग्राफ आपसे पूछ रहा है, तो ग्राफ पेपर पे बनाना। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? एक्स टी ग्राफ पूछ रहा है, यानी स्थिति और समय में ग्राफ आपसे से पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो
तो बच्चों स्थिति समय में ग्राफ आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। तो आपको यहाँ एक्स और टी में ग्राफ बनाना है। तो बच्चों आपको यहाँ देखो टाइम दे रखा है 9 से लेकर 5 बजे तक, और 2.5 किलोमीटर आपको क्या दे रखे बच्चों, दूरी दे रखी है। क्लियर है? ओके, तो आप देखते हैं किस तरह ग्राफ बनाएंगे एक्स और टी का। देखो इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा। ये तो बच्चों हो गया टाइम, और ये हो गया एक्स, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पैमाना हम ले रहे हैं, ये जीरो हो गया मूल बिंदु। तो देखो 2.5 किलोमीटर तक वो जाती है दूरी। दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर। तो मैं चाहता हूँ आधा आधा किलोमीटर ले लेता हूँ, पैमाना बनाएंगे तो आधा आधा किलोमीटर ले ले भाई। ये 0.5 यानी आधा किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, और ये क्या हो गया 2.5 किलोमीटर, ठीक है। समय मान लो 9 से लेके चल रहे हैं अपन, तो समय मान लेता हूँ 9 से लेकर 5 बजे तक। तो इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई ये 9 बज गए, ये 10, ऐसा आगे चलता रहेगा भाई, ठीक है। 11, ऐसे 12, ऐसे लास्ट में कहाँ तक ले लूंगा, 5 तक। तो इसको मैं थोड़ा 5 ले लेता हूँ, ये चलो इसको हम बढ़ा लेते हैं आगे तक। 12, 1, 2, 3, 4, लास्ट में क्या बच गया भाई, 5, ठीक है। ये आपसे कह रहा है, तो अब आपसे कह रहा है अब आपको ग्राफ बनाना है। ये हो गया आपका टाइम, ये क्या हो गया भाई टाइम, ये हावर्स में आपको टाइम दे रहा है, ये पीएम है भाई, ये टाइम है, और ये एएम है, ठीक है। तो 9 से लेकर 5 बजे तक टाइम था वो मैंने टी समय पे बना लिया है, और आधा किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर मैंने दूरी को एक्स माना है किलोमीटर, ठीक है। तो अब बताइए आप कैसे ग्राफ बनाएंगे एक्स और टी में। घर से ऑफिस जाती है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूरी कितनी है 2.5 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम बताओ कितना लगेगा उसे, ठीक है। तो देखो बच्चों शुरुआत कर रही हो 9 से, शुरुआत कैसे कर रही है, वो 9 से कर रही है। तो चलो इसको हम मूल बिंदु हमारा क्या हो गया, 9 बजे हो गया मूल बिंदु, ठीक है। तो आप इसको आप थोड़ा सा समझ लेना, ये 9 है, 9 हम मूल बिंदु मान रहे हैं, पैमाना अपने हिसाब से मान लेंगे, क्योंकि तो शुरुआत ही टाइम क्या है 9 बजे। तो अब हमें ये देखना है कि भाई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो घर से ऑफिस जाने में लगा समय T1 मान लो समय, तो समय होता है दूरी बटा 4, तो दूरी कितनी है d, 4 कितनी है v1, दूरी है भाई 2.5 किलोमीटर और v कितना है 5 किलोमीटर पर हार्स, ठीक है बच्चों। तो T1 यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 50, यानी 1/2 घंटा, आधा घंटा लगेगा उसे घर से ऑफिस पहुंचने में, यानी 9 बजे उसने शुरू करा तो 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाती है वो। तो 9 बजे शुरू करेगी तो 2.5 किलोमीटर दूरी 9:30 बजे पूरी कर लेती है, चाल उसके एक समान है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक समान गति ग्राफ, सपोज करें टाइम है 9:30, तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है 9:30 बजे अपने ऑफिस, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर था। तो आप इस तरह लाइन एक सीधी रेखा बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। स्केल से ग्राफ है और बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। ओके, तो 9 बजे शुरू करा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक समान गति है, तो आधे घंटे में कहां पहुंच गई, अपने ऑफिस पहुंच गई। अब बच्चों 5 बजे तक, 9 बजे चलना शुरू करा, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच चुकी है, 5 बजे तक वो अपने कहाँ रहती है, ऑफिस में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों, ऑफिस में। तो 9:30 से लेकर 5 बजे तक वो इसी स्थिति में रहेगी। तो 9:30 से लेकर 5 बजे तक बिल्कुल समान स्थिति, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम और आगे बढ़ा दे, मान लो
तो ये मान लो 5 PM, तो यहां पर देखो ठीक है भाई, 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक वो किसमें रहती हैं, अपने ऑफिस में रहती हैं। उसके बाद फिर वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है अपने घर की तरफ। तो अब उसे कितना टाइम लगेगा घर जाने में, कितना टाइम लगेगा, तो ऑफिस से घर जाने में लगा समय, ऑफिस से घर जाने में लगा समय। उससे मैं अगर T2 मान लूं, समय क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 2.5 किलोमीटर, और यहां टाइम है उसके पास, यानी जो चाल है वो है 25, चाल कितनी है बच्चों 25। तो अब इससे यहां उड़ाएंगे इसको, तो यहां क्या आएगा 1/10, 1/10 आवर्स, ठीक है बच्चों, 1/10 आवर्स। इसे मैं मिनट में चेंज कर लूं क्योंकि आवर्स में आएगा ये, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो उसे 6 मिनट लगते हैं मात्र, 6 मिनट में दोबारा कहां पहुंच जाती है, वो घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब 5:06 पर वो घर पहुंच जाती है, इस तरह आप देख सकते हैं 6 मिनट के लिए बिल्कुल पास एक रेखा बनेगी, यहां टाइम है 5:06। तो 5:06 में वो कहां पहुंच जाती है बच्चों, अपने घर पे पहुंच जाती है, क्लियर है। तो इस तरह का बन जाएगा, उसको आप लाइन बना सकते हैं पूरी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3rd था, ओ आपको शायद दिख नहीं रहा, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो जो लास्ट रेखा बनाई है वो 6 मिनट के लिए है, कि 6 मिनट में अपने कहाँ पहुंच जाती है, एक समान चाल से घर पहुंच जाती है बच्चों, ये 6 मिनट में अपने घर पहुंच जाएगी। तो ये जो सीधी रेखा बनाएंगे स्केल से, ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो वैसा करना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 आप करना, ग्राफ का क्वेश्चन है, देखना होता कि नहीं होता, फिर कमेंट में मुझे बताना, मैं क्वेश्चन 5 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 आप करना बच्चों, ठीक है हो जाएगा आपसे, ग्राफ भी बनाना है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो मैं लिख देता हूं, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है भाई, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यह जेट यान के सापेक्ष, जेट होता ना, कह रहा यह जेट यान के सापेक्ष यान तो चल रहा है मानो आगे की ओर, तो यह है जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है, 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो गैस है एक तरीके से अपने दहन उत्पाद, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है,
निकालता है। ठीक है भाई, तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? जमीन पर खड़े मतलब आपेक्षिक वेग का क्वेश्चन आ गया। देखो जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष, कोई ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति मानो खड़ा हुआ है, किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कोई जेट वायुयान जो है वो 500 किलोमीटर, देखो इसको हम डायग्राम से समझिए, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई मान लो जेट वायुयान है, ठीक है भाई, तो ये आगे चल रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लो V1 इसका है मान लो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब जो दहन उत्पाद बाहर निकलते हैं इस तरह गैस के रूप में, तो कह रहा है यह है जेट यान के सापेक्ष, यह है जेट यान के सापेक्ष। तो मैंने क्या माना, देखो माना जेट की जो चाल है वो मैंने माना V1 जो कि आपको दिया हुआ था 500 किलोमीटर पर हाफ, ठीक है। दहन उत्पादों की चाल में क्या मान रहा हूं, जो नीचे निकल रहा है वो V2 है। दहन उत्पाद की चाल दहन उत्पादों की चाल V2 हमारा क्या हो गया बच्चों, V2 हो गया 1500 किलोमीटर पर हाफ। V1 हमारे पास है 500 किलोमीटर पर हावर और V2 हमारे पास है बच्चों 1500 किलोमीटर पर हावर। दहन उत्पादों की चाल है V2 1500 किलोमीटर पर हावर, वो नीचे की ओर है। अब संजय सॉरी ये आपको 1500 नहीं दे रखा, क्वेश्चन समझो आप, यह है जेट यान के सापेक्ष, यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर, ये आपेक्षिक चाल आपको दे रखी है, तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है कि इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। तो दहन उत्पादों की चाल मुझे क्या दे दी, V2, ठीक है, ये हमने माना है, हमें दे क्या रखा है कि जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से यानी दहन उत्पादों की यान के सापेक्ष आपेक्षिक चाल आपको दे रखी है। इसका मान दे रखा है 1500 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, दहन उत्पादों की यान के सापेक्ष। तो दहन उत्पादों की चाल है V2 और जेट के जेट यान के सापेक्ष, तो आपको चाल जो दे रखी है बच्चों V21 दे रखी है, इतनी 1500 किलोमीटर पर हार। तो V21 का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना, 1500। V2 माइनस V1 कितना हो गया बच्चों, 1500। लेकिन हमें पता है कि ये जो चाल आपको दे रखी है प्रेक्षक के सापेक्ष आपको निकालना है, नीचे की ओर है, ये V21 क्या दे रखा है आपको, नीचे की ओर, ठीक है। तो अब इसको हम ऊपर क्यों लेंगे, क्योंकि हम जो अपेक्षित चाल निकालते हैं वो समान दिशा में निकालनी होती है, तो ऊपर क्यों लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V21 हो जाएगा। जब दिशा बदलोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, माइनस में हो जाती है, दिशा बदलने पर क्या हो जाती है, वैल्यू माइनस में। तो नीचे की ओर तो है V21, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, माइनस V21, ऊपर की ओर क्या हो जाएगा भाई, माइनस V21। तो जमीन पे खड़ा हुआ वाला कोई प्रेक्षक है उसको कितना ये दिखाई देगा उसकी बात हम कर रहे हैं, तो V21 तो वैल्यू आपको दे रखी है माइनस V21, तो मैं लिख सकता हूं माइनस V21 और ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 इज इक्वल टू V1 माइनस 1500, इसको चले जाओ तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, V1 माइनस 1500, ठीक है।
यहां से वी टू इज इक्वल टू वी वन कितना है 500, वी वन आपके पास 500 और ये कितना बच्चों 1500, तो कितना आएगा माइनस का 1000 किलोमीटर पर हावर। तो माइनस का 1000 किलोमीटर पर हावर, समझ गए? ठीक है, तो वी टू इज इक्वल टू आपको मिला है माइनस का 1000 किलोमीटर पर हावर। तो प्रेक्षक को ऐसे दिखाई देगा माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, माइनस दिशा को बता रहा है, ठीक है, परिमाण लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000। तो माइनस किसको शो कर रहा है? दिशा को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये आपेक्षिक चाल वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। क्या कहते रखा है लिख देता हूं, सीधे राजमार्ग पर कोई चाल है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है 126 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, कोई कार है मान लो, और वो एक राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है, यानी इसे दूरी कितनी तय करी 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया, इसका अंतिम वेग क्या हो गया 0। ठीक है बच्चों, U का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और V का मतलब क्या है? अंतिम वेग। V का मतलब क्या है? अंतिम वेग। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई कार चल रही है सीधी बिल्कुल, और 200 मीटर दूरी से तय करी उसका वो रोक दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार के मंदन को एक समान मानिए और उसका मान निकालिए, यानी आपसे मंदन का मान पूछ रहा है, मंदन यानी त्वरण जो ऋणात्मक आता है उसका मान पूछ रहा है। ओके, और आपसे पूछ रहा है कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है रुकने में कितना समय लगेगा। तो पहले बच्चों एक बात ध्यान दें आप, कि यहां हमें मीटर में दे रखा है, यहां किलोमीटर प्रति हावर में दे रखा है। तो क्वेश्चन जब आप करते हैं तो सभी यूनिट एक ही पद्धति में होने चाहिए, तो किलोमीटर पर हावर को आप चेंज करिए मीटर पर सेकंड में। तो 126, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और एक घंटे में बच्चों 3600 सेकंड। तो ये मान किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 5 10 और 18 2 36। तो वैसे भी ध्यान रखें आप कि अगर हमें किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड बदलना है तो किससे गुणा कर दो 5/18 से, ठीक है, और ये 18 से एक देखो कट जाता है 7 बार, 18 7 126, तो ये आपके पास U की वैल्यू आती है 7:35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और से तो आपको U दे रखा है, S आपको दे रखा है, और A आपको निकालना है। U दे रखा है, S दे रखा है, A निकालना है, V आपको पता है अंतिम में कितना है 0। तो बताओ कौन सा इक्वेशन लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप पता है गति का तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। वी तो अंतिम वेग 0 है, वे हम कह रहे हैं कार को हमने रोक दिया, रोकने का मतलब क्या हो गया अंतिम वेग 0। तो यू स्क्वायर मतलब बच्चों 35 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमें निकालना है, s कितना है 200। तो 35 का स्क्वायर और ये 200, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 0, 35 का स्क्वायर और ये 200 दूरी कितना हो गया 400a। तो यहाँ a की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी ना, इधर लाएंगे तो माइनस का देखो 35 × 35/400। तो माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है ये मंदन है, माइनस आपको क्या बता रहा है? मंदन। ऋणात्मक त्वरण का मतलब ही क्या होता है? माइनस। तो इसे बच्चों सॉल्व करोगे आप, तो इसे सॉल्व करो तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो क्या मिल गया? त्वरण मिल गया कि -3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? कितना टाइम लगा?
तो वी आपके पास है, ए आपके पास है, यू आपके पास है। तो देखो ये जो मैंने थर्ड इक्वेशन लगाया था, अब आप फर्स्ट से भी निकाल सकते हो कि v इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u को इधर ले जाओ, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहां मान रखोगे आप t इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस u कितना है 35, और बच्चों a कितना है माइनस का 3.06। ठीक है, जैसे जब आप सोल्व करते हो बच्चों तो t माइनस में माइनस कर गया तो 11 थी 33, यानी 11 पॉइंट आपको यह मिल जाता है 44 सेकंड, 11.44 सेकंड। ठीक है, ग्यारह पॉइंट फोर फोर सेकेंड। तो आप इक्वेशन से निकाल सकते हो, ये 6th क्वेश्चन हमने करा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, क्या कह रहा है बच्चों, देखो दो रेलगाड़ियां ए और बी समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। जो दे रखा है उसको मैं लिख रहा हूं, दो रेलगाड़ियां हैं समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं, यानी आपको ए और बी रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 18 चौक 72, तो कितना आ गया ये 20 मीटर पर सेकंड। तो दो रेलगाड़ियां 20 मीटर प्रति सेकंड से एक दिशा में समांतर चल रही हैं, प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 400 मीटर। प्रत्येक गाड़ी कितनी है, 400 मीटर लंबी है, और गाड़ी एक गाड़ी बी से आगे है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और जो ए है वो बी से आगे है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, दोनों गाड़ियों की लंबाई 400 मीटर है और ए बी से आगे है। अब कह रहा है बी का जो चालक है वो ए से आगे निकलना चाहता है, बी का चालक जो है वो ए से आगे निकलना चाहता है, तथा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। यानी आपको दिया हुआ है कि जो बी का चालक है वो इसे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या करता है, त्वरित करता है, मतलब इसका वेग बढ़ाता है। बी का चालक वो पीछे था तो अपनी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए उसे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ए आगे है। पहले तो वो समान चाल से चल रहे थे लेकिन बी ए से आगे जाना चाहता है तो बी ए से स्पीड को बढ़ाएगा। तो उसने अपनी गति को कितना त्वरण दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया। और कह रहे थे 50 सेकंड के बाद बी ए से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच आरंभिक दूरियां कितनी थी, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं यहां पर थोड़ा सा आपको ताकि क्लियर हो जाएगा। यदि 50 सेकंड के बाद, 50 सेकंड लगते हैं उसको बी को, यदि 50 सेकंड के बाद बी ए से आगे हो जाता है, यदि 50 सेकंड के बाद बी का जो चालक है वो ए से आगे हो जाता है तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी, तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी,
दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी ये आपको बता रहे हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूं आपके सामने कि दो रेलगाड़ी हैं, ये उनकी प्रारंभिक चाल है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों गाड़ी की लंबाई कितनी है भाई? 400 मीटर गाड़ी लंबाई है और 50 सेकेंड के बाद जो बी है वो ए से आगे हो जाता है, पहले ए बी से आगे था, तो आगे निकलने के लिए वो 1 मीटर पर सेकेंड इसको क्या लगाता है? त्वरण लगाता है। तो आपको बता रहे हैं कि दोनों के बीच आरंभिक दूरियां कितनी थी। तो अब ये देखें कि जैसे भी मान लो दोनों की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, अब ये 50 सेकेंड के बाद बी आगे हो गया, तो 50 सेकेंड में ए ने कितना चला? तो देखो 50 सेकेंड तक दोनों ने गति करी, तो हमने देखें कि ए कितना चला, कि 50 सेकेंड में ए द्वारा तय की गई दूरी तो बच्चों दूरी का मतलब क्या होगा? एस ए, दूरी मतलब चाल गुना समय। चाल मैंने यू मानी है तो यू ए इंटू टाइम टी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दूरी जो हुई ए द्वारा ये हो गई 20 इंटू 50 यानी 1000 मीटर। तो ए कितनी दूरी चलता है? 1000 मीटर दूरी चल लेता है 50 सेकेंड में। ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है बच्चों? 50 सेकेंड में। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 50 सेकेंड में बी कितना चलेगा, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को त्वरित कर दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पहले वाले में त्वरण जीरो था क्योंकि वो एक समान चाल थी, त्वरण जीरो था। अब बी द्वारा चली गई दूरी 50 सेकेंड में, अब देखते हैं ये कितना आगे निकल गया। देखो इसी प्रकार 50 सेकेंड में दोनों ने 50 सेकेंड तक गति करी है, 50 सेकेंड में बी द्वारा चली गई दूरी 's इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहां b के लिए बात कर रहे हैं तो u और a b के लिए आएगा, तो एस बी इज इक्वल टू यू भी कितना है 20 इंटू टी कितना है 50 सेकेंड प्लस हाफ, त्वरण कितना है 1 इंटू टी है आपके पास 50 इंटू 50। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर इंटू है 25। तो बी ने दूरी कितनी चेक कर ली भाई? तो जो 50 इंटू 20 करेंगे तो 1000 प्लस, और ये आ गया 25 × 125 1250। अरे बी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई? 2250 मीटर। 50 सेकंड में ए चला 1000 मीटर और बी आगे निकल गया 2250 मीटर। तो बताओ दोनों गाड़ी के बीच दूरी कितनी थी? अब समझ गए होंगे आप, टी समय में ए द्वारा चली गई दूरी 1000 मीटर, टी समय में बी द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 2250 मीटर। ठीक है, तो इनका जो लेस आप करोगे दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? 1250 मीटर। आते हैं, ये पूछा है दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी। आते हैं, दोनों के बीच प्रारंभिक दूरी यानी एस पी माइनस एस ए, तो बच्चों 2250 माइनस 1000 तो कितना आ जाएगा? 1250 मीटर। समझ गए? तो दोनों गाड़ी साथ साथ चल रही थी, ठीक है, 50 सेकंड तक गति करी, लेकिन 50 सेकंड में बी ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया, तो हमने निकाला अभी बी कितना चला? 2250 मीटर। ए कितना चला? 1000 मीटर। दूरी कितनी बची होंगी बीच में? 1250 मीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।